क्या नेटवर्क मार्केटिंग लड़कियों के लिए जायज़ है? क्योंकि इसमें हमें मेंबर्स बनाने के लिए, लड़कों को मार्केटिंग की तरफ बुलाने के लिए खुलकर बातचीत करनी पड़ती है। इस पर रोशनी डालिए। नेटवर्क मार्केटिंग ना लड़कियों के लिए जायज़ है और ना लड़कों के लिए जायज़ है। मेंबर बनाते हैं उसमें और चीज़ें बेचते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू से ज़्यादा पे बिकती है चीज़। अगला ज़्यादा वैल्यू पे ले इसलिए रहा है ताकि वो आगे लोगों को मेंबर बना के कमीशन हासिल करे, और बना पाएगा तो ठीक है, नहीं बना पाएगा तो वो पैसे उसके ज़ाया होंगे। तो इस पर काफ़ी डिटेल से पहले भी हम तफसीली क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ और रिटर्न में भी इस पर जवाब दिया जा चुका है। तो ये नाजायज़ तरीका है। आपने कोई चीज़ प्रोडक्ट बेचनी है, सीधा सीधा बेचें आप उसको। ये क्यों कह रहे हैं आगे पाँच को आपने बिकवा दी, तो चलो पाँच को जिस जिसको बिकवाएंगे उसका कमीशन मिलना भी समझ में आता है। वो पाँच आगे जिस जिसको बिकवाएंगे उसका कमीशन इसको किस खुशी में मिल रहा है, और उसी कमीशन की लालच में जो एक मोहूम है उस पर लोग ये चीज़ खरीद रहे होते हैं। तो ये खरीदो फरोख का जायज़ तरीका नहीं है। सीधा सीधा एक जो नेचुरल तरीका खरीदो फरोख का रखा है तो वो हो। और अगर बिकवाने का कमीशन देना है तो ये आदमी जितनों को बिकवा दे तो कहें कि जितनों को बिकवाओगे उसका मैं कमीशन दूंगा, यहाँ तक ठीक है। आगे वो जो बिकवा रहे हैं उसका कमीशन जो इसको मिल रहा है पहले शख्स को, ये गलत है। तो खुलासा ये कि नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल जायज़ नहीं है, ना लड़कियों के लिए ना लड़कों के लिए।